वेलकम बैक टेकबाइट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम एक्रेडिटरी की इंस्टॉलेशन को परफॉर्म करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हम एक्रेडिटरी को कैसे इंस्टॉल करते हैं और एक डोमेन कंट्रोलर कैसे बनाते हैं। देखिए, मैं आपका थोड़ा सा लैब का ओवरव्यू करा देना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या कन्फिगरेशन की हुई है सर्वर के ऊपर। ये मैंने एक सिस्टम लिया हुआ है जिसके अंदर हमारा विंडोज सर्वर 2012 R2 का डेटा शेल्टर एडिशन मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। इसके बाद मैंने इसकी जो आईपी है वो 192.168.1.103 रखा हुआ है। 255.255.255.0 इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। गेटवे 192.168.1.1 ये हमारे मॉडेम का आईपी है मेरे, ताकि मैं इस सर्वर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकूं। आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। प्रेफर्ड डीएनएस के अंदर मैंने इसी की आईपी को कॉन्फ़िगर किया हुआ है, क्योंकि ये सर्वर, ये जो डोमेन कंट्रोलर जब हम रेडी करेंगे, ये एज वेल एज हमारा डीएनएस सर्वर का के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसीलिए मैंने इसके अंदर इसी के डीएनएस को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अल्टरनेट डीएनएस के अंदर 8888 को मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, जो कि गूगल का डीएनएस है। तो चलिए आज का लैब जो है हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरा एक विंडोज 10 का लैपटॉप है। मैं इससे अपने उस सर्वर को, जो सर्वर मैंने कॉन्फ़िगर किया, उसका रिमोट लूंगा। तो मैं रन पे आता हूँ। मैं यहाँ पे एक कमांड टाइप करूंगा, mstsc। ये कमांड है जिसके थ्रू आप रिमोट कनेक्शन को ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे उस सर्वर की आईपी को देना होगा जिस सर्वर को मुझे कॉन्फ़िगर करना है, जिस सर्वर के अंदर मुझे इंस्टॉल करना है 192.168.1.103, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एंटर करेंगे, ये उस सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड हमें एंटर करना है। ध्यान रहे कि एक्रेडिटरी की इंस्टॉलेशन के लिए आपको एडमिन का पासवर्ड कंपलसरी है। यस, ये मेरे सर्वर 2012 R2 का डेस्कटॉप है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे डेटा सेंटर एडिशन मैंने इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि विंडोज सर्वर 2012 R2 रिलीज 2 है। R2 का मतलब रिलीज 2। इससे पहले 2012 था ओनली। 2012 R2 का मतलब कुछ नए फीचर्स के साथ इसके ऊपर आपका ये रिलीज किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखें, मैंने आपको बताया कि जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया था, तो मैं एक बार यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ चीज का। सबसे पहले मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी पे जाके मैं सिस्टम का नाम आपको दिखाना चाहता हूँ। सिस्टम का जो नाम है, कंप्यूटर का जो नाम है, वो DC1 मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। और आईपी मैं आपको बताता हूँ, जन पे जाएंगे ncpa.cpl। ये कमांड के थ्रू आप अपने नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं। राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 आएगा। इसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे आईपी जो है 192.168.1.103, जैसे मैंने आपको बताया था, वो कॉन्फ़िगर किया हुआ है। सबनेट मास्क डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट गेटवे इसका जो है हमारा, वो है 192.168.1.1, जो कि मेरे मॉडेम का है। प्रेफर्ड डीएनएस के अंदर मैंने इसी की आईपी को कॉन्फ़िगर किया हुआ है, और अल्टरनेट डीएनएस के अंदर 8888। ओके, क्लोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे सर्वर मैनेजर को ओपन करना होगा। ये सर्वर मैनेजर का आइकन है। सर्वर मैनेजर को ओपन करने के बाद ये सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक ऑप्शन देख रहे हैं आप, ऐड रोल एंड फीचर्स। आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल करने के लिए इस पे क्लिक करना होगा। या तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या आप यहाँ पे मैनेज पे जाके ऐड रोल एंड फीचर्स, कहीं से भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ऐड रोल एंड फीचर्स पे क्लिक करूंगा। ये आपका इंस्टॉलेशन विजार्ड है, आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। यहाँ पे पहले जो ऑप्शन है आपका, रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, हम ये आपको इसको सिलेक्ट करना है। ये बाकी के जो ऑप्शन आ रहे हैं अभी, आप इन पे ध्यान मत दीजिए। अभी हम सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन चीजों के ऊपर हम आगे बात करेंगे जब हम एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर, इस सर्वर के ऊपर मतलब थोड़े से वो हो जाएंगे, मीन्स हम लोग थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएंगे, तब हम इन चीजों के ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट।
यहाँ पे हमारा DC1 जो कि कंप्यूटर का नाम है वो शो कर रहा है, इसकी आईपी जो है वो यहाँ पे है। तो नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ से। यहाँ पे ये सारे आपके रोल्स हैं, अलग अलग रोल्स, और जितने रोल्स आप यूज इंस्टॉल करेंगे सर्वर आपके उस सर्विस को के लिए तैयार हो जाएगा। तो अभी जो हम इसको बना रहे हैं डोमेन कंट्रोलर, तो डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए हमें, मैंने आपको बताया था कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल करना होता है, तो हमें इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब आप फर्स्ट टाइम इसको कर रहे होंगे तो यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो एक पॉपअप आएगा कुछ फीचर्स को एड ऑन करने के लिए, जस्ट आपको एड फीचर्स पे क्लिक करना है। ये मेरे पास ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इससे पहले इसके ऊपर इंस्टॉलेशन परफॉर्म किया हुआ था, इसीलिए। तो ध्यान रहे कि जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करते के साथ ही जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप आएगा जिसके ऊपर लिखा होगा ऐड फीचर्स, बस आपको सिंपल ऐड फीचर पे क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। यहाँ पे भी हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे भी हम नेक्स्ट करेंगे। रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, आपको इस पे क्लिक करना है, अगर आपके सर्वर को रिस्टार्ट की रिक्वायर्ड होगी तो ये ऑटोमेटिकली सर्वर को रिस्टार्ट कर देगा। देन यहाँ पे इंस्टॉल्ड। अब इससे होगा क्या कि आपकी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जो है इस मशीन को पर इंस्टॉल हो जाएगा। इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हमें कुछ और कॉन्फ़िगरेशन सर्वर के ऊपर करना होगा जिससे कि ये सर्वर हमारा प्रॉपर डोमेन कंट्रोलर कहलाएगा। तो जब तक इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, कंप्लीट होने के बाद हम वापस आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो जस्ट आपको यहाँ से क्लोज करना है। अब ये आप देख सकते हैं कि ऊपर फ्लैग के यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन होगा कि प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। मैंने आपको बताया कि हमें कुछ और कॉन्फ़िगरेशन भी करना होगा इसको डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करने के लिए, तो हम सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, हमें जो ऑप्शन चूज करना है वो एड अ न्यू फॉरेस्ट, क्योंकि हम पहला डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। अभी ये जो ऑप्शंस हैं इनके ऊपर अभी बिल्कुल मत सोचिए, इनके ऊपर हम अभी आगे वाले लेक्चर में बात करेंगे इसका यूज किस लिए करते हैं। तो अभी सिंपल हम डोमेन कंट्रोलर बना रहे हैं तो हमें सिर्फ एड अ न्यू फॉरेस्ट पे क्लिक करना है। जब भी हम अपने नेटवर्क पे फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, हमें इस ऑप्शन पे जाना है। रूट डोमेन नेम, आपको यहाँ पे एक डोमेन नेम सजेस्ट करना है, देना है आपको, कुछ भी दे सकते हैं जैसे example.com, mylab.com, testlab.com, .jst, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ techbyte.local, आप कुछ भी दे सकते हैं .in.org, अपना नाम डाल दीजिए, कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो दिया है वो techbyte.local, जस्ट नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप एक देख सकते हैं कि फॉरेस्ट फंक्शन लेवल एंड डोमेन फंक्शन लेवल जो है वो सर्वर 2012 R2 है। देखिए अगर आप अपने नेटवर्क में पहला डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल कर रहे हैं और अगर आपके नेटवर्क पे कोई ऐसा सर्वर नहीं है जिसके ऊपर कोई प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा हो, प्रीवियस वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप सिर्फ इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके या तो अगर आपके पास मान लीजिए कोई पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, कोई पहला डोमेन कंट्रोलर पहले से यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे उस वर्जन को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इस वर्जन को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो जो पुराने आपके सर्वर्स होंगे वो इसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रहे कि आप जब फर्स्ट टाइम डोमेन कंट्रोलर को यूज कर रहे हैं तो आप उसका फंक्शन लेवल वही रखिए जो आप चूज करना चाहते हैं, लेकिन अगर पुराना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का पहले से चल रहा हो जिसके ऊपर ऑलरेडी कोई हमारे डोमेन चल रहे हो, कोई अलग डोमेन कंट्रोलर हमारा पहले से पड़ा हो जिसके ऊपर प्रीवियस वर्जन का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हो 2008 R2, तो मुझे यहाँ पे दोनों ऑप्शन 2008 R2 करना पड़ेगा। अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो मेरे पहले जो डोमेन कंट्रोलर रखे हुए जो मैं यूज कर रहा हूँ वो इसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये पहला डोमेन कंट्रोलर जो है मैं इसको यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको 2012 R2
जा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आने वाले लेक्चर के अंदर मैं कुछ सर्वर 218 के ऊपर भी मैं कुछ वीडियोस आपके लिए दिखाऊं कि किस तरह से हम 218 के ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो मैं इसके ऊपर 2008 R2 सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक डोमेन नेम सिस्टम DNS, मैंने आपको बताया था कि जब हम फर्स्ट टाइम डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ साथ DNS भी उसके साथ इंस्टॉल हो जाता है, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी विदाउट DNS काम नहीं करता है। तो ये आपका डिफॉल्ट ऑप्शन पे चेक रहने देना है, और यहाँ पे पासवर्ड आपको देना है, टाइप द डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर्ड मोड। जब हम अपने एक्टिव डायरेक्टरी को रिस्टोर करते हैं तो वहां पे जो हमें पासवर्ड देना होता है, तो ये जो पासवर्ड हम कन्फिगर करेंगे वहीं पे हम जब हम अपने एक्टिव डायरेक्टरी को रिस्टोर करेंगे तब हमें ये पासवर्ड हमें देना होता है जो हमने यहाँ पे सेट किया होता है। तो मैं पासवर्ड जो मेरे सिस्टम का पासवर्ड है मैं वही देना दे देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट करेंगे यहां से, ये आपके कुछ प्रीक्विटीज हैं जो उसको चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे हम यहां से, इसका जो नेट बायस डोमेन नेम वो है TechByte, जो हमने डाला था TechByte.local, TechByte का फर्स्ट नेम जो है इसने यहाँ से ले लिया है। नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ से, ये आपका डेटाबेस फोल्डर बता रहा है कि आपकी जो एक्टिविटी का जो डेटाबेस है वो कहाँ पे स्टोर होगा। देखिए आपको बता दूं कि जो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो डेटाबेस है वो सेंट्रलाइज स्टोर होता है, तो सेंट्रलाइज जो स्टोर होता है वो कहीं ना कहीं लोकल मशीन पे तो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा। तो ये इसका लोकल पाथ है, सी ड्राइव के अंदर विंडोज नाम का एक फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर NTDS का एक फोल्डर और बनेगा जिसके अंदर हमारी एक्टिव डायरेक्टरी की जो फाइल है वो स्टोर होती है। लॉक्स फाइल भी हमारी इसी के अंदर होती है। सिसबोल फोल्डर, हमारा सिसबोल फोल्डर जो मैंने आपको बताया था कि ग्रुप पॉलिसी की हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था, हमने ग्रुप पॉलिसी क्या होता है उसके थ्रू हम अपने यूजर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जो जो पॉलिसी हम डिप्लॉय करेंगे तो वो सारी की सारी पॉलिसी हमारी इस फोल्डर के ऊपर आके सेव होगी। ठीक है, तो सब कुछ डिफॉल्ट जान देंगे हम यहाँ से। नेक्स्ट करेंगे, ये सारी वो कॉन्फ़िगरेशंस है जो आपने अभी की है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपकी सारी प्रीरिक्विटीज चेक की जा रही है कि जो जो कॉन्फ़िगरेशंस आपने की है और जो एक्टिव डायरेक्टरी को रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी है, वो यहाँ पे चेक हो रहा होता है। अगर आपको किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपके मिस हुई होगी तो यहाँ पे आपको वो एरर शो करेगा। अगर आपका सब कुछ ओके होगा तो यहाँ पे आपका मैसेज आएगा कि ऑल प्रीरिक्विजिट्स चेक पास सक्सेसफुली, क्लिक इंस्टॉल टू बिगिन द इंस्टॉलेशन। हम यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। तो इस इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, तो जब तक ये इंस्टॉलेशन कम्प्लीट होती है हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद मेरा सिस्टम एक बार रीस्टार्ट हुआ ऑटोमेटिकली, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑटोमेटिकली ये रीस्टार्ट हमने जैसे क्लिक किया था, तो ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होने के बाद मैंने इसका यूजर नेम और पासवर्ड दोबारा एंटर किया और ये मेरे पास डैशबोर्ड आ गया है। तो अभी मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ कि ये हमारा पूरा का पूरा डोमेन कंट्रोलर बन गया है। मिनिमाइज करते हैं सर्वर मैनेजर को, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर का जो नाम है DC1 और फुल कंप्यूटर नाम जो है TechByte.local, जो मैंने अपने डोमेन का नाम रखा हुआ है, तो TechByte.local ये हमारे डोमेन का नेम हो गया, और फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम जो है वो हमारा DC1 TechByte.local। तो ये मशीन देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डोमेन जो है हमारा वो TechByte.local है, यानी अब हमारा ये कंप्यूटर पूरा का पूरा डोमेन कंट्रोलर बन चुका है। तो आपने देखा कि कैसे हम डोमेन कंट्रोलर को बनाते हैं और एक्टिव डायरेक्टरी को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आई होप
आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर।